everyone. In today's video, we'll be studying about multiplication of decimals. Multiplication word का मतलब होता है कि हम दो या दो से ज़्यादा decimals को कैसे multiply करेंगे. तो ये हुआ इस heading का मतलब. अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो decimal numbers दिए हैं तो उनकी multiply कैसे करेंगे, या अगर कोई एक decimal number दिया है तो उसकी 10, 100 या 1000 से कैसे multiply करेंगे. तो ये वाला पार्ट मैं ऑलरेडी फर्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन टू डेसिमल्स था. अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, मींस जिसमें एक जीरो होती है, तो डेसिमल नंबर एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, मींस ये वाला जो डेसिमल है ये उठ के यहाँ आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 17.6 हो जाएगा. जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाता है. जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, मींस एक और दो यहाँ पे आ गया ये, तो ये क्या हो जाएगा 176.0, या हम क्या भी लिख सकते हैं इसको 176 भी लिख सकते हैं. अगर हम इसी नंबर के 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये थ्री प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, एक दो और थर्ड प्लेस यहाँ पर नहीं है. तो नहीं है जहां कुछ नहीं होता, हम क्या लगा लेते हैं, जीरो लगा लेते हैं. हम क्या लिख सकते हैं, 1760.0, और हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, 1760. तो अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है, इसके अलावा कोई और नंबर भी हो सकता है, तो अगर हम उस नंबर की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, 100 से करेंगे तो 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और 1000 से करेंगे तो 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा. ये है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका. तो इस टाइप की मल्टीप्लाई को हम पूरा डिटेल में मल्टीप्लाई करके नहीं देखते हैं, इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, क्योंकि इसके बेसिक रूल्स हैं. अब आती है बात इस टाइप की, अगर हमारे पास दो गिवन डेसिमल नंबर्स हैं तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. ये 1 है और ये 51.7 है. जब भी हम इस तरीके के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे इजी तरीका मल्टीप्लाई करने का ये है कि ये पॉइंट भूल जाओ, ये वाला पॉइंट भी भूल जाओ और ये वाला पॉइंट भी भूल जाओ. जस्ट फॉरगेट दीज टू पॉइंट्स गिवन इन द क्वेश्चन. हम मान लेते हैं 1 है और ये 517 है, तो जब हम यहाँ पे सॉल्यूशंस करते हैं ए पार्ट का, ये 1 हो गया और ये 517 हो गया. तो जब मैं 1 की मल्टीप्लाई 517 में करूंगी तो क्या हो जाएगा, 517 बन जा 517. यहाँ पे कितने प्लेस से पहले डेसिमल है हमें ये देखना होगा. एक डिजिट से पहले यहाँ पे डेसिमल है और एक डिजिट से पहले यहाँ पे डेसिमल है, मीन्स दो डिजिट से पहले डेसिमल है. तो आंसर में हम दो डिजिट से, जब हम राइट से डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे तो वो डिजिट्स हम राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते हैं, 1 and 2. तो दो डिजिट से पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे. अब आती है बी पार्ट की, ये 0.5 है, ये 0.05 है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे. तो मतलब यहाँ पे भी 5 हुआ और यहाँ पे भी 5 हुआ, तो 5 5 means 25 हो गया है. और कितने डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, दो डिजिट से पहले तो यहाँ पर पॉइंट है और एक डिजिट से पहले यहाँ पे पॉइंट है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने डिजिट्स कितने हो गए, 3 हो गए. तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स लिख के हैं, तो 3 डिजिट के लिए हम क्या लिख लेंगे, 0, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे. उससे पहले एक और 0 हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं. अब आती है सी पार्ट, 1.07 और ये क्या हो गया, 0.02. तो इसको मान लो 107 हो गया और ये क्या हो गया, 2. 107 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7s are 14, कैरी 1, 2 1s are 2, ये कितना हो गया, 214 हो गया. और हम कितने डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, दो डिजिट्स तो ये हो गए और दो डिजिट्स ये हो गए, मींस हम 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे. तो 1 2 3 और एक 0 लगानी पड़ेगी, उससे पहले हम एक और 0 अपनी मर्जी से लगा देंगे. डी पार्ट 0.2 and 0.3, इसको हम 2 मान लेंगे और इसको हम 3 मान लेंगे. तो 2 3s कितना होता है, 6 होता है. पर हम पॉइंट कितने डिजिट से पहले लगाएंगे, एक डिजिट से पहले यहाँ पे, एक डिजिट से पहले यहाँ पे, तो टोटल 2 डिजिट्स हो गए. यहाँ पे से 1 डिजिट है तो 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट में एक और 0 लगा देंगे, उससे पहले पॉइंट्स लगा देंगे, और पॉइंट से पहले हम अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं. तो ये था डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका. इस तरीके से हम दो गिवन डेसिमल्स को या किसी भी गिवन डेसिमल को 10, 100 और 1000 एंड सो ऑन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So thank you all.